हेलो एट क्लास। तो आज हम हिंदी सेकंड में पार्ट 21 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, शब्द शक्ति। मतलब इस पार्ट में हम शब्दों की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शब्द शक्ति क्या होता है, देखिए, शब्द के अर्थ व्यक्त करने वाली जो शक्ति होती है वो क्या होती है, शब्द शक्ति कहलाती है। या हम कह सकते हैं शब्दों के अर्थ ग्रहण करने वाली या अर्थ व्यक्त करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं, इसके तीन भेद होते हैं शब्द शक्ति के, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, मुख्य अर्थ का बोध कराती है। मतलब शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति का नाम क्या है, अभिधा शक्ति। इसमें आस पास के शब्दों की सहायता से शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है। जैसे वहां के लिखा मैंने, निशा हो गई है, निशा पढ़ रही है, निशा हो गई है। इस वाक्य से आपको पता चल रहा है निशा किसके लिए आया है, पहला रात के लिए, रात हो गई है और निशा पढ़ रही है। निशा किसी लड़की का नाम है, पता चल गया ना कि रात हो गई और निशा पढ़ रही है। फिर दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है कि यह शब्द के मुख्यार्थ में अगर कोई बाधा पड़ती है तो विशेष कारण से अन्य अर्थ लगाया जाता है। मतलब लक्षणा शक्ति में विशेष कारण से अन्य अर्थ लगाया जाता है, तो वो क्या होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मोहन तो गधा है, तो जहां गधे के मुख्य अर्थ के बजाय मोहन की हरकतों के कारण उसका अर्थ मूर्ख लगाया गया है। यहाँ पर गधे की हरकतें नहीं देखी गई है, मोहन की हरकतों को देखकर उससे गधे की उपमा दी गई है। तो इसे पता चल गया ना कि मोहन क्या है, मूर्ख है। फिर तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। जब ना तो मुख्यार्थ काम आता है ना ही लक्ष्यार्थ काम आता है, वहाँ अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपने अनुसार अलग अलग अर्थ लगाया जाता है, तो वो क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे कि किसी ने कहा अरे शाम हो गई है, तो किसी कोई सोचेगा कि अरे शाम हो गई है, तो कोई सोचेगा कि मुझे पढ़ा, विद्यार्थी है तो वो सोचेगा मुझे अध्ययन करना है, गृहिणी है तो वो सोचेगी अरे शाम हो गई, मुझे अपने काम काज में ध्यान देना है, पुजारी सोचेगा अरे शाम हो गई है तो आरती करनी है, उसे उसके लिए तैयारी करनी है। तो अरे शाम हो गई इतना वर्ड बोलती हर व्यक्ति के लिए उसका अर्थ अलग अलग जगह पे आ जाएगा। आगे समझ में, तो क्या है अभिधा, तो क्या है मुख्य अर्थ बता देती है, और लक्षणा में क्या होता है विशेष कारण से अन्य अर्थ लगाया जाता है, और व्यंजना में क्या होता है ना मुख्यार्थ ना लक्ष्यार्थ, क्या होता है हर व्यक्ति के लिए उसका अर्थ अलग अलग होता है। आगे समझ में, तो चलिए चैप्टर देख लेते हैं इसका। पाठ 21 शब्द शक्ति। तो इसमें ये अलंकार के प्रकार आया ना, ये एक बार लाइन आप हटा लेना, ठीक है ना। ये पाठ मैंने पूरा समझा दिया, इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। शब्द शक्ति के भेद है तीन। शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति का नाम अभिधा। लक्षणा शब्द शक्ति शब्द के किस अर्थ का बोध कराती है, लक्ष्यार्थ। जब न तो मुख्यार्थ काम आए न लक्ष्यार्थ, तो कौन सी शक्ति होती है, व्यंजना। और अभिधा शब्द शक्ति शब्द के निम्नलिखित अर्थ का बोध कराती है, मुख्यार्थ का। फिर है लघुत्रात्मक में क्या है, इनमें निहित शब्द शक्ति का नाम बताना है। तो जैसे देखिए विमला निरी गाय है, तो निरी गाय है तो क्या कर रहा है, वो इतनी सीधी है कि उसे गाय की उपमा दी जा रही है ना, तो क्या है विशेष अर्थ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें, लक्षणा। तीसरा देखो आओ सुबह हो गई, तो आओ सुबह हो गई सबके लिए अलग अलग आएगा ना, कोई सोचेगा आओ सुबह हो गई, ग्रहणी सोचेगी चलो काम लग जाते हैं सुबह हो गई, और विद्यार्थी सोचेगा आओ सुबह हो गई स्कूल जाना है, ठीक है। जो ऑफिस जाते हैं वो लोग ऑफिस के लिए सोचेंगे, दादाजी वगैरह हैं वो क्या सोचेंगे, घूमने जाते हैं सुबह हो गई। तो ये किसमें आ जाएगा, आओ सुबह हो गई, व्यंजना शब्द शक्ति में। राम चालाक लोमड़ है, तो यहाँ पर क्या है लोमड़ी की उपमा दी रही है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा क्या है, चतुर है, अपने मतलब में बहुत ही ज्यादा शातिर है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा ना। देख लो इन तीनों में, पहले में लक्षणा, दूसरे में व्यंजना, तीसरे में लक्षणा। अब हम ये देखें, निशा हो गई है, निशा पढ़ रही है, तो निशा यहाँ रात के लिए आया है ना, कि रात हो गई और निशा पढ़ रही है, मतलब मुख्य अर्थ पता चल रहा है इसमें। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अभिधा शब्द शक्ति। देखो 10 बज गए,
तो इसका तो बहुत से अर्थ हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए, तो इसमें क्या जाएगा व्यंजना। और छठा है कबूतर दाना चुग रहा है, तो दाना क्या है किसके लिए आया यहाँ पर, सही अर्थ मेन अर्थ मुख्य मुख्य अर्थ ही पता चल रहा है, तो इसमें आ जाएगा अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, तो ये आपका पाठ हो गया, आपको समझ में आ गया। तो आप नोटबुक में क्या करोगे, नोटबुक में इसका लघुत्तरात्मक प्रश्न आप अपनी नोटबुक में करोगे। ठीक है, इसके अलावा आपको हिंदी ग्रामर में क्या करना है, तीन संवाद मैंने पहले करवा दिए थे है ना, तो आज आप चौथा संवाद करोगे, दिल्ली में बढ़ते अपराधों के बारे में दो बुजुर्गों के बीच संवाद। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पांचवा संवाद है बार बार बिजली के जाने पर दो गृहिणियों के बीच संवाद, और छठा है पापा और बेटी के बीच संवाद। तो ये तीन संवाद करोगे, और पाठ 21 का लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो आप हिंदी सेकंड की नोटबुक में करोगे। तो आज का वक्त आपका यही है।